आइए आज हम वैदिक गणित में विभाजनीयता देखें। विभाजनीयता में हम देखते हैं कि कोई संख्या भाजक से पूरी तरह विभाजित है या नहीं। जैसे हम ऐसे सब जानते हैं कि कौन सी संख्या एक से, हम जानते हैं कि एक से सभी संख्याओं में भाग चल जाता है। एक से क्या होता है, सभी संख्याओं में भाग चल जाता है। एक से सभी संख्याओं में भाग क्या चला जाता है। तो एक की विभाजनीयता देखने की हमको आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। ऐसा ही मान लो अगला अंक हमारे पास है कि दो संख्या, तो दो संख्या से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो हम जानते हैं कि जिन संख्या का इकाई का अंक, जिन संख्या का इकाई अंक क्या हो, या तो शून्य, दो, चार, छः या आठ होता है। जिन संख्याओं का इकाई का अंक होता है, हम इसे सब जानते, वे संख्याएं क्या दो से पूर्ण विभाजित होती है। वे संख्या दो से पूर्ण विभाजित है। जैसे हम इनके उदाहरण लिख सकते, जैसे मान लो हमारे पास 12, 18, 20, 56, किससे, क्योंकि इनका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 2 है, अतः ये काहे से दो से क्या होगी विभाजित है, अतः ये दो से विभाजित है। इसके विपरीत कुछ ऐसे अंक ले ले, जैसे मान लो 21, 33, 35, 37, 39 या 49। ध्यान से देखिए, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 9। तो हम लिख सकते हैं यह दो से विभाजित नहीं है। कहने का मतलब जिस संख्या के इकाई में क्या हो, दो, चार, छः, आठ या शून्य हो, वही संख्या दो से विभाजित होगी, अन्य संख्या नहीं होती। अब क्रमांक तीन में देखते हैं हम कि तीन से विभाजनीयता का क्या नियम है। जिन संख्याओं का बीजांक क्या होता है, तीन, छः या नौ होता है, जिन संख्याओं का बीजांक क्या तीन, छः या क्या होता है नौ होता है, वे तीन से क्या होती है विभाजित होती है। जैसे यदि हम तीन का पहाड़ा देखें, उदाहरण के लिए जैसे हम तीन का पहाड़ा देखें, तीन, तीन दुनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, तीन पाँचे पंद्रह, तीन छंग अठारह, तीन साते इक्कीस, तीन आठे चौबीस, तीन नौ सत्ताईस, तीन दहम तीस या तीन ग्यारह तैंतीस, तीन बारह छत्तीस। ऐसे हम तीन का पहाड़ा चाहे कितने भी बार लिखें, अब इनके दोनों अंकों को देखेंगे, यहाँ तो एक एक अंक है, यहाँ यदि हम क्या करें एक और दो को जोड़ते हैं तो मान क्या आता, तीन। यहाँ एक और पाँच को जोड़ के देखें तो मान क्या आता, छः।
यहाँ यदि हम 1 और 8 को जोड़ते हैं तो मान क्या आता? 9। यहाँ यदि हम 2 और 1 को जोड़ते हैं तो मान क्या आता? 3। कहने का मतलब है इसके किन्हीं भी 2 अंकों को जोड़ के देखो, 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या या तो योग 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। ये 3, 2 और 7 9, 3 और 0 3, 3 3 6 3 6 9, ऐसी आगे की संख्या 3 धन 9 12, 12 के 2 अंकों को जोड़ेंगे 3। कहने का मतलब जिस संख्या का बीजांक 3 6 या 9 होता वे संख्या काय से 3 से विभाजित होगी। अब इसके विपरीत यदि हम संख्या ले ले 14, इसके दोनों अंकों को जोड़ के देखें, जब 1 में 4 को जोड़ा तो क्या आया? 5। हम कह सकते हैं यह 3 से विभाजित नहीं है। ऐसी संख्या मान लो ले 2 और एक संख्या ले ले मान लो 5, 2 और 5 को जोड़ के देखे तो 2 और 5 का जोड़ कितना आया? 7। हम जानते 3 8 24, तो यह भी संख्या किससे? 3 से विभाजित नहीं है। कहने का मतलब बीजांक आना चाहिए 3 6 9 होना चाहिए। संख्या कितनी भी बड़ी या छोटी हो सकती है, जैसे मान लो 1 2 3, 123 लिया हमने, अगर 123 के 3 अंकों को जोड़ के देखे योग आता है 6, तो हम कह सकते हैं यह काय से? 3 से विभाजित है। संख्या ले हमारे पास मान लो 2 4 6 8 1, सारे अंकों को जोड़े 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 1, 4 और 2 6 6 और 6 12 12 और 8 20 20 और 1 21, 21 के फिर बीजांक देखे 2 और 1 3, हम कह सकते हैं यह 3 से विभाजित होगी। यह संख्या किससे? 3 से विभाजित है, क्योंकि इस संख्या का जो बीजांक आ रहा वो क्या है? 3 है। अगला अंक हम ले रहे क्या? 4। जिन संख्या की क्या इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या, जिन संख्या की इकाई और दहाई से क्या बनी संख्या यदि 4 से कट जाए, यदि काय से? 4 से कट जाए, यदि ये संख्या 4 से क्या हो जाए? कट जाए, तो वह पूरी संख्या, तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। इसका उदाहरण देखिए, मान लो हमारे पास कोई संख्या है 134,876। अब इतनी बड़ी संख्या में भाग देंगे समय ज़्यादा लगेगा। हम इसका अंतिम अंक देखें, अंतिम 2 अंक कौन कौन से? इकाई और दहाई, क्योंकि यहाँ कौन सा इकाई अंक 6 व कौन सा दहाई का अंक 7 है, तो
तो हम केवल संख्या 76 में, कौन सी संख्या, केवल संख्या 76 में किसका 4 का भाग देके देखेंगे। तो हम पाते हैं 4 एकम 4, बचा 3, उतारे 6 4 9 36, 19 बार भाग गया। हम कह सकते हैं क्या 134,876 किससे, 4 से विभाजित है। संख्या हमारे पास मान लो 34,57,892 है। अब इसको देखेंगे हम, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि किसमें 92 में, कौन सी संख्या 92 में जब 4 का भाग दे रहे हैं, तो कितने बार, 4 दुनी 8, बचा 1 उतारे 2, 4 दिया 12, भाग गया। अतः क्या 34,57,892 किससे, 4 से विभाजित है। ये संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित है, क्योंकि इसके इकाई और दाही से बनी संख्या 4 से क्या है, विभाजित है। आइए आगे देखें, इस संख्या हम ले रहे हैं 34,676। अब इसके इसमें अगर देखें तो हम पाते हैं 74 में जब हम 4 का भाग देंगे, तो भाग देखिए कितने बार, तो हमारे पास 4 एकम 4, बचा 3 उतारे 4, 4 8 32, 18 बार तो भाग जा रहा है, लेकिन क्या 2 शेष बच रहा, 2 क्या हो रहा, शेष बच रहा, पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा। तो हम क्या लिख सकते, अतः क्या 34,674 4 से विभाजित नहीं है। केवल इकाई और दहाई के अंकों से फैसला हम कर लेते कि वो 4 से विभाजित है या नहीं। आगे देखें संख्या 5 से, कौन सी संख्या 5 से, वह संख्या विभाजित होगी जिसके कहां का इकाई का अंक, जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो। इसके उदाहरण में हम देखते हैं, इसके उदाहरण में देखिए, जैसे कि 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चीस, 5 छक्के 30, 5 सत्ता 35, 5 अट्ठा 40, 5 नौ 45, 5 दहम 50, 5 ग्यारह 55, 5 बारह 60, 5 तेरह 65, 5 चौदह 70। अगर हम इसका इकाई का अंक देखें तो ये 5 है 0 है 5 है 0 है 5 है 0 है, इकाई का अंक 5 और 0 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। तो संख्या हमने देखी, जैसे कि हमारे पास संख्या है 105, तो हम कहेंगे क्या यह 5 से विभाजित है। संख्या देखी मान लो हमने 300, तो हम कहेंगे यह किसे 5 से विभाजित है। संख्या देखी मान लो हमने बहुत बड़े आकार की संख्या, क्योंकि इकाई में क्या आ गया 0, तो हम यह सीधे लिख देंगे यह 5 से क्या है,
विभाजित है। संख्या मान लो, क्योंकि इकाई में क्या आ गया, दो आ गया, तो हम कहेंगे यह पांच से विभाजित नहीं है। यह संख्या पांच से विभाजित नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी इकाई में क्या आ गया, दो आ गया। तो कहने का यह मतलब है कि संख्या पांच से वो ही विभाजित होगी जिसके इकाई में शून्य हो या पांच हो। अब आगे देखें, हम छह से विभाजनीयता, क्या संख्या छह से विभाजनीयता, ऊपर जिन सिद्धांतों को हमने पढ़े उन्हीं सिद्धांतों का हमको रिपीटेशन करना पड़ेगा। छह से वह संख्या विभाजित होगी जिसमें जो संख्याएं ऊपर जो विभाजनीयता का नियम पढ़ा हमने दो और तीन का, वही नियम इसके लिए भी है कि जो संख्याएं दो और तीन दोनों से विभाजित हैं, दो और तीन दोनों से क्या है, विभाजित हैं। जो संख्या दो और तीन दोनों से क्या है, विभाजित है, वह छह से विभाजित होगी। छह से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे हम पाते हैं यहां पर, जैसे छोटा संख्या का उदाहरण ले 12, हम पाते हैं कि 12 में सीधी सी बात है, 12 का इकाई अंक दो, अतः यह दो से विभाजित है, अतः यह दो से क्या होगी, विभाजित है। 12 का यदि हम बीजांक देखें, 1 धन 2 बराबरी से 3, इसलिए यह काहे से 3 से भी विभाजित है। क्योंकि यह 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, अर्थात 12 किससे, 6 से विभाजित होगा। कोई बड़े अंकों की संख्या आ गई, मान लो कुछ इस प्रकार से 1, 2, 3, 5, 7, 9, 8, इनके सारे अंकों को जोड़ें। क्योंकि देखिए 8 को देख के हम कह सकते हैं कि यह 2 से विभाजित है, यह 2 से विभाजित है। अब इसके अंकों का योग 1, 2, 3, 5, 7, 9, 8, इन सारे अंकों को हम जोड़ेंगे। इनके सारे अंकों को जब जोड़ेंगे तो 9 में 8 जोड़ा तो 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, 2 34 और 1 35। ध्यान से देखिए, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 5 29, 3 32, 2 34 और 1 35। 35 के दोनों अंकों को जोड़ के देखो तो जोड़ा है कितना, 8। क्योंकि 8 तीन के पहाड़े में बीजांक नहीं आता, तो हम कह सकते यह किससे, 3 से विभाजित नहीं है। यह 3 से क्या नहीं है, विभाजित नहीं है। इसलिए ये जो संख्या लिखी है 1, 2, 3, 5, 7, 9, 8, यह 6 से विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब जो संख्या दी है अगर उसमें 2 का और 3 का दोनों का भाग जाता है
तो ही वह 6 से विभाजित है, अन्यथा वह 6 से विभाजित नहीं होगी। यह आपको समझ में आया होगा। आज विभाजनीयता पर इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।